वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो एग्जामिनेशन होने वाला है। बड़े टेंशन में है यार, बहुत टेंशन में हो तुम लोग, इतने टेंशन में क्यों हो? अल्टीमेटली एग्जाम हो ही जाएगा और सबके एग्जाम्स अच्छे ही जाएंगे। ओके, तो इतने ज़्यादा आप लोग टेंशन में मत रहो। हाँ, थोड़ी अगर आवाज़ आप लोग को कम आ रही होगी, अच्छा कैन आई डू दिस क्या? आई होप कि अभी आप लोग को आवाज़ ठीक आ रही है। लेट्स डू दिस। ओके, आप लोग के लिए कुछ भी। देखिए, आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम, उसमें बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यू ऑल नो कि हम जुआलॉजी एंड बॉटनी पे मेन फोकस करते हैं, तो जो हमारा वीडियो होगा वो भी जुआलॉजी और बॉटनी के बच्चों के लिए ही होगा। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें थर्ड ईयर वाले बच्चों की, तो डोंट बी पैनिक ना, इतना भी पैनिक मत हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज अभी बोला ना पेपर हो जाएगा और पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, जूलॉजी का सिलेबस देख लो, बॉटनी का सिलेबस देख लो, इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस, इट्स अबाउट द पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर की अगर बात करें तो जूलॉजी में आप पेपर वन देखते हो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, सेकेंड आप देखते हो इकोनॉमिक जूलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, थर्ड आप देखते हो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट, एंड फोर्थ आप देखते हो सेल फिजियोलॉजी एंड एलिमेंट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं उन बच्चों के इन सिलेबस में से हो सकता है कि तीन पेपर हो रहे हो या दो पेपर हो उनके में, तो इट डजेंट मैटर। अगर टॉपिक्स आपके लिए सेम है तो डू दोज थिंग्स जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको वही चीजें करनी है जो आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। बॉटनी है, बॉटनी में अगर आप देखो तो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, द सेकंड वन इज मॉर्फोजेनेसिस, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, थर्ड वन इज सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कंजर्वेशन, एंड फोर्थ वन इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स। ओके, दिस इज होल बीएससी थर्ड सिलेबस। अब बात करते हैं कि पेपर कैसे देना है। आई थिंक 25 से आपका पेपर है और कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर मई में 15 मई के बाद से हैं। ओके, अगर हम बात करें जूलॉजी एंड बॉटनी के सिलेबस में, तो क्या अगर हम साइड हट रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पर कुछ भी सेम दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में कुछ भी सेम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार फोकस करो और देखो जरा, जूलॉजी में भी तुम्हारा सिलेबस है बायोस्टैटिक्स का, ठीक है, एंड तुम बॉटनी में भी सिलेबस देखते हो बायोस्टैटिक्स का, ठीक है। और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, पूछ दिया जाता है कि मीन बताओ, मीन का डीमेरिट मेरिट बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे जाते हैं, वरना फिर सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स पूछे जाएंगे जिसमें आपको मीन मीडियन मोड आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डू वन थिंग, सबसे पहले आपको यही तैयार करना है बायोस्टैटिक्स पार्ट। ओके, क्या तैयार करना है? बायोस्टैटिक्स। व्हाट टू डू में हम लिखते चलेंगे, पहले आप बायोस्टैटिक्स फुल तैयार कर लो, ठीक है। इसमें देखो बायोस्टैटिक्स में हम आपको बता दें, हमें क्वेश्चन बताए हैं आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, पूरी बायोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट भी है, आप चाहो तो रिकमेंड कर सकते हो, देख सकते हो, बच्चों ने बहुत पसंद किया है उसको। ओके, देखिए बायोस्टैटिक्स जो है ना, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप बैथ के स्टूडेंट हो तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली बोला जाएगा कि मीन बता दो, मीडियन बता दो, मोड बता दो। यू नो भाई कि मीन क्या होता है यार, ऊपर के जितने भी आपको डाटा मिले उन डाटा को आप लिखो अपॉन जितना उसका नंबर है, लिख दो, खत्म, उसको आप काट दो, हो गया, यही तो है ना मीन। उसके अलावा क्या है? मीडियन एन अपॉन टू, एन प्लस वन अपॉन टू, एंड मोड जो है सबसे ज्यादा रेपिटेटिव। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में मोस्टली थ्योरी आता है और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। बायोस्टैटिक्स आप डन कर लो, उसके बाद क्या करना है पता है? जितने भी हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, डू दैट, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अभी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर हुआ था ना, और जो क्वेश्चंस हमने बताए थे लिटरली वही क्वेश्चंस आए थे, और हमने ये सुना भी है, अभी हमको बच्चों ने बताया भी है कि आप लोग एक तो स्कैम कर रहे हो मेरे साथ, क्या कि आप लोग को मतलब ये पता चल गया है कि हाँ दीदी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप किसी और को शेयर नहीं कर रहे हो, छिप छिप के बस अपना पेपर दे रहे हो और मस्त आपका पेपर जा रहा है। अच्छी बात है, बट ठीक है, पेपर होने के बाद शेयर कर देना जूनियर्स के बाद, ठीक है, लेकिन शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेना। देखो तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है, जो भी कुछ हम यहाँ आपको बताएंगे सबके प्लेलिस्ट के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखना ही देखना है, जो हमने आपको बताए हुए हैं छोड़ के मत जाना वरना बाद में पछताओगे। ओके, तो वो क्वेश्चंस आपको देखना है, उन्हें सॉल्व करना है। तो आपको क्या है भाई, ये क्वेश्चन देखो एंड प्लस इसको सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करने के टाइम पे आपके पास दो तीन दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यही आएगी कि वो जो टॉपिक है उसके हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में से, जैसे 10 टॉपिक्स में से मोस्टली आपको दो टॉपिक ना मिले, ये इट कैन बी पॉसिबल ना, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको इन 10 टॉपिक्स में से वो ये भी माना, चलिए मान लेते हैं हम लोग
कि तीन टॉपिक आपको समझना है, हो सकता है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं मोस्ट ऑफ द चीजें हमने पढ़ाई है, बस आप कोई भी टॉपिक डालो बाई साइंस वाले लिख दो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टॉपिक डालो बाई साइंस वाली फुल लिख दो, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। ये करो आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक। तो आपको सेकंड क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और आपको अच्छे से तैयार करना है, ओके। अगर आपने ये सब कुछ डन कर लिया है अभी तक तो वेल डन, नहीं किया है तो चलिए अभी से लग जाइए, वीडियो जो आप देख रहे हो बंद करो अब इसके बाद, मतलब अभी नहीं, ठीक है, पूरा समझ लो फिर बंद करना और लग जाना, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। देखो अब थर्ड क्या आपको समझना है, देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो ये भी सेक्शन हमने डन किया हुआ है, ये आपको हमने पढ़ाया हुआ है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आपसे मोस्टली पॉल्यूशन पूछा जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन में भी आपसे वाटर पूछ दिया जाएगा या फिर एयर पॉल्यूशन पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर एनर्जी फ्लो वगैरह, ये सब कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है, स्लाइड पर भी पढ़ाया है, वन शॉट में भी बताया अपने हैंड रिटन नोट से, प्लस वन शॉट की वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन है ना इसमें से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या पॉल्यूशन हमने नहीं अपलोड किया है तो भाई देखिए हम क्या करेंगे, कुछ लास्ट में आपको बताते हैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने में हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए पॉल्यूशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारा डन हो जाएगा क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द चीजें मेरे यूट्यूब से ही समझ जाओगे, प्लस हम आपकी हेल्प भी अभी करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी में हमने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए एक्सेप्ट आई थिंक जीनो बायोटिक्स एंड कार्सिनोजेन और टेरेटोजेन, इसको छोड़ के हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। हम इसको टेलीग्राम पे आपको कार्सिनोजेन और जो टेरेटोजेन है उसकी आपको नोट्स भेज देंगे, ठीक है। तो वी आर डन विद द पेपर वन ऑफ जूलॉजी जो कि आपका आई थिंक 25 को है, तो ये तो आपका डन हो जाएगा। देखिए इसमें भी हमने आपको बताया ना कि आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, इस पेपर के पर्टिकुलर पेपर का हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है, तो आप इस पेपर का पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, देन आप सॉल्व करने जाओगे। जब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे तो फिर जब देखो पेपर पैटर्न में ये होता है कि आप लोग को एक एक दिन का गैप दिया गया है, एक एक दिन का गैप देने का मतलब क्या होता है, पहले तुम सारी तैयारी कर लो और उसके बाद जो तुम्हें एक दिन का गैप मिले ना उसमें धड़ाधड़ बस रिवाइज करो। जैसे एनर्जी फ्लो है तुमने अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है तो वेल डन, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक है जैसे यूट्रोफिकेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, जो तुमने 12th में पढ़ा हुआ है, तो वो एक दिन के रिविजन में तुम्हारा डन हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा ऐसा डन पेपर। सेकेंड की बात करें इकोनॉमिक जियोलॉजी हैंड रिटन नोट से पढ़ाया हुआ है, जितना पढ़ाया है अगर उसके अलावा आ जाएगा तो हम अपना नाम बदल देंगे, क्योंकि सच बता रहे हैं इससे इकोनॉमिक जियोलॉजी से कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है। एपिकल्चर बता दो, व्हाट इज सेरिकल्चर बता दो, ट्रिपैनोसोमा, हेटेरोडोरा, यही सब है और सब कुछ हमने आपको पढ़ाया, वो भी अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया है, तो नोट्स की भी आपको चिंता नहीं करनी है, आप बस अपना बनाओ और लिखो, ठीक है। बायोस्टैटिक्स हमने आपको बताया कि सब कुछ पढ़ना ही है, इसमें आपको कोई कोताही नहीं करनी है क्योंकि ये दोनों ही हमारे पेपर में है, तो ये आपको फुल टू तैयार करके जाना है, ओके। तो वी आर डन विद द सेकंड पेपर आल्सो, क्योंकि इकोनॉमिक जियोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और हर चीज हमने पढ़ाई है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी 8-9 वीडियोस हैं उनको देख लो, चिल मारो, उसके अलावा तुमको सेकंड पेपर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोस्टैटिक्स पढ़ लेना, उसकी भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी हमने सब कर दिया था कि आपको इस टाइम पे हम ये ना बोल सके कि हम वीडियो नहीं दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम बोलेंगे अभी ये चीज क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, बट या आई कैन प्रोवाइड यू समथिंग जिससे आपका भला हो जाए, ठीक है, कुछ तो जरूर प्रोवाइड करेंगे। थर्ड, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, पूरा फ्रॉम द क्या कहते हैं बिगिनिंग टू लास्ट एंड तक सब कुछ भेजा हुआ है, एक पैसा आपसे नहीं लिया है, और यही मेरी गलती हो गई थी ना कि हमने उसको टेलीग्राम पे भेज दिया था, अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उसको हमने भेज के टेलीग्राम पे इतनी बड़ी गलती की है कि दूसरे लोग उसको उठा के लिटरली सेल कर रहे हैं, एंड आई कांट टेल यू कि वो कितना मुझे खल रहा है यार, मैंने एक पैसा नहीं लिया मेरी अपनी मेहनत की, मेरी एनर्जी की, मेरे टाइम की, और लोग उसको बस उठा करके वहाँ से हटा के मेरा वो भी जो है लोगो वगैरह है, उससे पहले हमने लोगो भी नहीं लगाया था, तो वो सब हटा करके भाई उन लोगों ने अपना जितने लोगों ने भी ये चीज़ें की हैं, तो ठीक है उसको छोड़ते हैं, जैसा आप करोगे वैसा सामने आएगा, बट ठीक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट का हमने दोबारा से अपना पूरा लोगो वगैरह लगा करके आपको टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, हर एक देखो एक शॉर्ट नोट से लेकर के ना पूरा लॉन्ग, रेनिन एंजियोटेंसिन हो गया, फिर क्या कहते हैं छोटे छोटे टर्म जैसे कार्डिक मसल हो गया, फेरोमोन्स हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन इन इलास्मोब्रैंक हो गया, कैमल हो गया,
ये सब कुछ हमने आपको उसमें पूरे नोट्स में दिया हुआ है, तो व्हाट कैन आई डू नाउ, क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए बताइए, ठीक है। और कुछ तो चीज़ें हमने लिटरली पढ़ाई भी है और हमने देखा था कि उस पर रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा था, इसी वजह से हमने सोचा कि ठीक है किसी ना किसी तरह तो हेल्प करनी ही है, तो हमने पूरा टेलीग्राम पे नोट्स भेज दिया है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है ना, ये इसका आपको कोई चिंता नहीं करना है, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जा करके और नोट्स वहाँ पे देख लेना, आपको मिल जाएगा पूरा। एमएस के फॉर्म में पूरे टॉपिक्स के नोट्स दिए हुए हैं, लिटरली पूरे टॉपिक्स के नोट्स दिए हुए हैं। आपको मेरी भलाई नहीं दिख रही है, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रही है कि आप शेयर नहीं करो, आप सब्सक्राइब नहीं करो, बट हम अपने तरफ से अपना 100% नहीं 1000% दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने अपना हैंड रिटन नोट्स भेजा हुआ है और उतना पढ़ लोगे थर्ड पेपर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बार बार कह रहे हैं यार वही चीज़ें हमने भी पढ़ करके पेपर दिया हुआ है और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। प्लीज जितना चीज़ हम तुम्हें बस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्लीज़ उसको पढ़ो, ओके। अब देखो ये भी हमारा डन हो गया, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फोर्थ में हमारा सेल्फ जियोलॉजी एंड एलिमेंट री बायो स्टडीज आता है, देखो बायोटेक्नोलॉजी सॉरी। ये जो है ना, अभी हमने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपने देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या कहते हैं जीन मैनिपुलेशन में हमने काफ़ी सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई है। तो तुमने क्या कसम खाई है क्या कि थर्ड ईयर में हो तो तुम थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो नहीं देख सकते हो? ऐसा तो कुछ नहीं खाया है कसम, तो क्यों नहीं देखते हो सारे टॉपिक्स जो है? देखो हम तुम्हें बता दें, तुम्हारा जो पेपर होने वाला है वो एनईपी 2020 के पहले का है, ठीक है। अभी जो एनईपी 2020 जो लागू हुआ है उसके बाद से तुम्हारे जो सिलेबस है ना उसको पूरा डिवाइड कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज में, और तुम्हारा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में चला गया, थर्ड सेमेस्टर में चला गया, फोर्थ सेमेस्टर में चला गया है। तो फिर अगर हम टॉपिक अपलोड कर रहे हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार बैठ के थंबनेल चेंज करेंगे या फिर हम बार बार बैठ के उस वीडियो को एडिट करेंगे। तो हम अभी से थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का ही उस पर थंबनेल लगा रहे हैं और उन्हीं बच्चों को बोल करके पढ़ा रहे हैं। बट इतना तो दिमाग आप भी लगाओ कि वो टॉपिक्स अगर मेरे सिलेबस में है तो हम उसे भी देखें और उसको पढ़ें और नोट्स बनाएं, ठीक है। तो सब चीज़ हमने यहाँ पर, ये वाला चीज़ भी आपको सेल्फ जियोलॉजी एंड एलिमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये चीज़ में आपसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा नोट कर लो भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तुमसे पूछना ही है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछना है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो वो भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि कुछ पूछने वाला है, जितना हमने पढ़ाया है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यही सब पूछता है, ठीक है। तो ये भी आपका डन हो जाएगा, दिक्कत कहाँ आ रही है जियोलॉजी के पेपर में, इसके अलावा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द बॉटनी ऑल्सो, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी सीरियसली बताएं तो हार्ड है, प्लांट पैथोलॉजी इज ईजी एंड पूरी प्लेलिस्ट हमने तैयार की है। माइक्रोबायोलॉजी मेरे लिए हार्ड नहीं है, आप लोग के लिए हार्ड है। मेरे लिए इस वजह से हार्ड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सभी के सभी नोट्स रखे हुए हैं और हमने पढ़ाया भी है बहुत सारा, उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने नहीं पढ़ाए हैं। और जितने लोगों को लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी सॉयल, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ दिस डैट आने वाला है, तो उसके परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। अभी हम तुमको एक हैक बताएंगे, वो करके जाना बस, तुम देखना हमारे पेपर कितने अच्छे जाएंगे, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी डन है, माइक्रोबायोलॉजी में भी जितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, सभी की प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो बॉटनी में ये भी तो हमारा डन हो गया ना, मॉर्फोजेनेसिस हम अभी स्टार्ट किए हैं, फोटो मॉर्फोजेनेसिस आपको पढ़ाया है, फाइटोक्रोम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ाया ही है। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में भी हमने पढ़ाया है, हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, मोरा सुगे स्कूप पढ़ाया है, बच्चे मीडिया पढ़ाया है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पढ़ाया है, जो जो पूछा जाता है वो तो पढ़ाया ही है। और बायोस्टैटिक्स वगैरह हम बात कर ही चुके हैं इसकी। थर्ड बात करें सॉयल साइंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, इस पर हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमने नहीं पढ़ाया है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और फोर्थ जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अगेन जो हमने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए पढ़ाया है आपको वही पढ़ के जाना है, वही कंटेंट जाके लिखना है, कुछ भी नया खोज में मत रहो, कोई भी नए खोज में आपको नहीं रहना है, ठीक है। और रही बात सॉयल साइंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, तो हम देखिए टाइम तो नहीं है मेरे पास, तो हम पढ़ाने के तो वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि इनकी वन शॉट आपको हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, सॉयल साइंस हो गया, कंजर्वेशन हो गया, तो इनके वन शॉट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वरना फिर जो अभी आपको बताने वाले, थोड़ा सा सस्पेंस रखो, वो बताते हैं तो उससे आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। देखिए ये आपका हमने बता दिया कि आप बहुत इजीली इन सभी को कंप्लीट कर सकते हो, आप जितना डर रहे हो उतना डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखो मेरा पॉइंट, देखो हर उस पेपर में तुम सेक्शन ए देख रहे हो और सेक्शन बी देख रहे हो, देख रहे हो ना सेक्शन ए और सेक्शन बी। लाइक देखो एनवायरमेंटल बायोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में तुम्हारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो सेक्शन ए है एंड टॉक्सिकोलॉजी जो है वो सेक्शन बी है,
सेम अगर बॉटनी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सेक्शन ए है, प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन बी है, ठीक है। देखिए अगर आप सेक्शन ए बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हो किसी भी इन बॉटनी में, कोई भी सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी, इन दोनों में से अगर तुम कोई भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हो तो लिटरली अगर तुमने कंपैरेटिवली जो दूसरा सेक्शन है उसको थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो तुम्हारे बहुत अच्छे पेपर जाएंगे। क्यों? ये मेरा हैक था। जैसे मुझे माइक्रोबायोलॉजी, अपने दिल की बात बता रही हूँ, जो किया है वही बता रही हूँ। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में मुझे प्लांट पैथोलॉजी बहुत ईजी लगता था, माइक्रोबायोलॉजी बड़ी हार्ड लगती थी। स्टिल हमने नोट्स रखा हुआ था, बनाया था हमने, पढ़ा तो था ही लेकिन रखा हुआ था। लेकिन जब क्वेश्चन आए थे ना तो हमने जनरली प्लांट पैथोलॉजी को ही चूज किया था, समझे। और प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। वो सेक्शन 5 जो है ना आपको वहीं पर आपको घुमाया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप कहीं घूम ही नहीं सकते हो। सॉरी सेक्शन 5 कह रहे हैं, सेक्शन जो आपका बी है, जो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उसमें, जिसमें आपको ए बी करके, तो इसी में आपके साथ थोड़ा सा स्कैम किया जाता है। क्या किया जाता है ना कि आपके अगर सेक्शन बी की बात करें तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो ये ए एंड बी में बटा होता है। ए जो होता है वो ए सेक्शन से उठा दिया जा सकता है और बी जो होता है वो बी सेक्शन से उठा दिया जा सकता है। तो चिंता बस तुमने सेक्शन सी के वही 5 नंबर की है, उससे ज़्यादा तुम अगर एक भी सेक्शन तुम तैयार करके जा रहे हो बहुत अच्छे से और नॉर्मली बस 5 नंबर इधर का जो है तुम्हारा 2.5 नंबर के लिए तुम इधर वाला थोड़ा सा भी तैयार करते हो ना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो चिल मारो और अच्छे से बस तैयार करो। जैसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो तो देखो 5 क्वेश्चन तुम्हें दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं ना तुम्हें, उसमें से तुम्हें सॉल्व करना होता है कि 4 क्वेश्चन, मैं तो देखो भूल गई एनुअल में कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें शायद तुम्हें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उसमें से 2 करने हैं। अगेन बोल रहे हैं 4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन ए से आएंगे, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से आएंगे। अब इट्स अप टू यू कि तुम कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इसीलिए कोई एक सेक्शन अपना इतना स्ट्रांग बना लो कि अगर पेपर आए तो तुम सारे वही सॉल्व करके आओ। कौन देख रहा है बैठ के, भाई हमको मिला है, हम ऑप्शन हम उसका यूज कर रहे हैं, समझिए। तो ये एक चीज आप करो, सेक्शन वाइज अपनी तैयारी करो, सेक्शन ए सेक्शन बी। सबसे पहले तो भाई ये कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद फिर अपने सेक्शन में बांटना, समझ गए। ओके, अब देखिए हमारा मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं जो हमें आपको बताना था कि क्या क्या आपको करना है। लास्ट इंपॉर्टेंट कि जो नोट्स आपको नहीं मिल रहे हैं उसके लिए आप कुछ चीजें करो, बार बार आपको हम बताते हैं। कुछ साइट्स हैं, ठीक है, देयर आर सम साइट्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज ए स्टूडेंट, ठीक है। कुछ ऑथेंटिक साइट हैं, जैसे अगर आप बीएससी में ही हो बट स्टिल बहुत हाई लेवल का पढ़ना है ना, तो कोई भी टॉपिक डाल करके ना तुम एक नोट कर लो, वैसे हम लगा देंगे, स्लाइड शेयर करके आता है, ठीक है, स्लाइड शेयर, ये पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये जो स्लाइड शेयर है ना, आप इस पर कोई भी टॉपिक डाल लो और उसके आगे स्लाइड शेयर लिख देना गूगल पे, आपको अच्छा खासा एक पीडीएफ मिल जाएगा और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है ना वो बहुत अच्छे से 6-7 स्लाइड में, मतलब 8-9 स्लाइड में आपको बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज बना करके दे देगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मतलब होते हैं ना, बहुत टैलेंटेड लोग उसको बनाते हैं। देयर इज नो एनी प्रमोशन, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, ठीक है, किसी ने मुझसे कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं बोला है, बट एज अ स्टूडेंट हम भी हैं और हम यहाँ पे आपकी की हेल्प करने के लिए हैं, तो हम इसको आपको बता रहे हैं कि भाई इसको जाकर के आप प्रीफर जरूर करो। तो गूगल या क्रोम जो भी यूज करते हो वहाँ पे आप कोई भी टॉपिक डालो और उसके आगे स्लाइड शेयर जोड़ दो, उससे आपको कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक डालोगे, जैसे मॉर्फोजेनेसिस डालो ना, उसके आगे स्लाइड शेयर डाल दो, आपको मिल जाएगा अच्छा खासा नोट्स, मिल जाएगा अच्छा खासा कॉन्टेंट मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, समझ गए। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं ना, सुनो और देखो, जो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स होता है ना, ठीक है, जो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स होता है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि कितने कितने पेज लिखने हैं, तो शॉर्ट नोट्स पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, तुम बहुत सारे कंटेंट जितना तुम पढ़े हो, सबसे पहले तो ये समझ लो लॉन्ग क्वेश्चन में जितना तुमने पढ़ा है, जितना कुछ भी जानते हो उस टॉपिक के बारे में उसको लिखाओ, जितना जानते हो सब लिखाओ, क्योंकि 32 पेज तुम्हें भरनी है। अब जो एनईपी के बाद वाला आया है वो 3 पेज दे रहा है, तो बहुत सोच समझ के वर्ड्स तुम्हें चूज करने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें 32 पेज भरना है, तो जितना तुम्हें आता है तुम उतना लिख दो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना और डायग्राम देखो बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या कहते हैं पेज कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे तुम पोल्यूशन अगर बना रहे हो तो कारवार मतलब लिख रहे हो तो कारवार बना दो, थोड़ा उसका पोल्यूशन दिखा दो, वाटर पोल्यूशन है तो वाटर ऐसे बस लहर बना के उसके ऊपर थोड़ा वेस्टेज दिखा दो, बॉटल्स ऐसे पड़ी हुई दिखा दो, ठीक है। तो तुम्हारे जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा पेज कंज्यूम करते हैं, अगर मान लो DNA फिंगरप्रिंटिंग आता है, तो इसके लिए हम ये डायग्राम यहाँ पे इसलिए आपको बोल रहे हैं
क्योंकि जब आप ये सभी चीजें पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ डायग्राम भी बनाओ फॉर योर एक्स्ट्रा पेज। मान लो अगर तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया लिखने के लिए, तो तुम उसके डायग्राम भी पहले से तैयार करके जाओ। जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं उसमें डायग्राम्स भी आप तैयार करके जाना, समझ गए? तो ये चीज आप कर लो। बायोस्टेटिक्स की एक बार और हम बात करना चाहेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको सॉल्व कराए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व करके जाना है। जितने कराए हैं बस उतना कर लेना, उसी का खाली आपका जो वर्ड होता है, लेटर होते हैं, वो चेंज कर दिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। आई कैन बेट यू, ठीक है, कि जो आपको हमने बताया है वही आएगा। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करो, ठीक है? तो कोई भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है तुम्हें? कुछ तो नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, लेकिन बहुत कुछ करना है, समझो। देखो ये सभी चीजें करनी है। बायोस्टैटिक्स तो सबसे पहले क्लियर करो। सेकंड, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमने आपको बताया है। अभी लेकर के मत बैठ जाना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर जो थर्ड है, कुछ आपको साइट्स बताइए हमें, जैसे स्लाइड शेयर हो गया, और भी बहुत ऑथेंटिक साइट्स हैं, लेकिन स्लाइड शेयर ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जो हो गए आपको उस पर ध्यान देना है, डायग्राम अपने साथ साथ करते रहना, ठीक है। आई कैन डू वन मोर थिंग फॉर यू। अच्छा, नोट्स हम नहीं, आपको टेलीग्राम पे हमने बताया ना मेरे साथ क्या दिक्कत है, नोट्स की बड़ी दिक्कत है। तो हम आपको ना ये साइट्स जो बताए हैं इसी को आप देख लो, ठीक है। और कुछ टॉपिक जो है, जैसे हाइब्रिड ओवर टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। जो बहुत बार पूछा जाएगा हम उसको आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम करना चाहते हैं आप लोग के लिए। आप लोगों को हम, आई डोंट थिंक ये दिख रहा होगा या नहीं, बट यहाँ लिखते हैं सैंपल पेपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि हम खुद बनाएंगे। ओके, दी सैंपल पेपर आर प्रिपेयर बाय मी। ओके, जितने भी सैंपल पेपर अभी आने वाले कुछ दिनों में, एक या दो दिन में, ये चीज़ हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बता देंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो वो सैंपल पेपर जो है उसकी भी हम एक या दो मिनट की वीडियो बना के बस आपको बता देंगे कि कहाँ हम प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या आपको सैंपल पेपर में सॉल्व करना है। तो जो हर एक पेपर का हम एक सैंपल पेपर बनाएंगे, ठीक है, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो हर एक पेपर का एक सैंपल पेपर बनेगा। और वो जो सैंपल पेपर होगा वो आपको मस्ट है कि सॉल्व करके जाना है, क्योंकि चांसेस 99% है कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। एंड डोंट डू दैट थिंग जो मुझे पसंद नहीं है, कमेंट में आकर के मुझे अब ये ज्ञान मत देना कि आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हो, आप कैसे जानते हो कि आ जाएगा यही क्वेश्चन, या इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं। पता है मेरा दिमाग बहुत ख़राब है आज, क्योंकि एक दो बच्चे हैं ना वो वीडियो देखते हैं, बट स्टिल वो नोट्स बना लेंगे, बट लास्ट में बेकार समथिंग ऐसा कॉमेंट करके जाएंगे। मेरा मूड इतना ख़राब है ना कि मैं इतनी गर्मी में खड़े होकर के आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग को हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे कुछ इतने खास स्टूडेंट्स बन गए हैं जिनसे मैं रेगुलरली बात भी करती हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग ये चीज़ कर रहे हो, मतलब डिस्गस्टिंग है। तो आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, तो वो चीज़ें थोड़ा बंद कर दो, वरना फिर चैनल से ब्लॉक कर देंगे, कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। तो जितना हम कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकेट करो, जो बोल रहे हैं वो काम करिए, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। एंड ये रूप आई डोंट थिंक कि मेरा ये गुस्से वाला किसी ने देखा होगा, अभी तो कुछ नहीं है, ये 0% भी नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैं घर में अपने सबसे ज़्यादा गुस्सा होती हूँ। तो अगर किसी को लग रहा है कि हम पका रहे हैं, हम बेकार पढ़ा रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कौन बोल रहा है देखने के लिए भैया? आप लोगों को मत देखो ना, मत देखो, मत पढ़ो, हमें क्या है, बहुत सारे चैनल में जाकर के पढ़ लो। हम नहीं बोलने वाले थे, लेकिन एक हद होती है ना, एक हद होती है, इतना एफर्ट के बाद आप लोग ऐसे करते हो, बहुत गंदा लगता है हमको। इतने बड़े हो गए हो, मतलब बीएससी में चले गए हो, हम आपसे एक साल बड़े होंगे, मेरे एफर्ट्स जो है वो आपके लिए हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, एंड आप उसकी रिस्पेक्ट की जगह आप ये चीज़ कर रहे हो। और नहीं, हम एक पहली बात बता दें कि 100 में से 1% के लोग होंगे जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं से पूछना चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो यार? 1% के जो लोग हैं जो आके मेरे कमेंट करें, क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो? डोंट डू दिस। ओके, जब खुद कुछ करना देन हमें आकर के बोलना, तब शायद हम तुम्हारी सुने भी। अभी हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, बस, ठीक है।
तो ये चीजें आप देख लेना। डेट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सैंपल पेपर जब प्रोवाइड करना होगा आपको हम बता देंगे, बस वो सॉल्व करके जाए, ठीक है। और बच्चे जो है वो नाराज मत होना, थोड़ा सा मेरा ये करना जरूरी होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं, और दुनिया में हो तो अच्छों के साथ तुम्हें बुरे को भी झेलना पड़ेगा, और झेलना नहीं उसको समझाना पड़ेगा। तो बस इट्स टाइप ऑफ समझाना, ठीक है, प्रोसेस। तो बस वही था, डेट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। ये सारी चीजें कर लो, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। 10 दिन बाकी है ना अभी पेपर में, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो साइट बताई है उसको भी देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो हाँ, अगर कोई मेरे पास पर्सनली मैसेज करता है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे या फिर बायो लवर वाले ग्रुप में, तो हम उस टॉपिक का तुरंत आप लोगों को या जब भी हम आप लोगों का वो मैसेज देखेंगे तब हम आप लोगों को खुद ही किसी ना किसी साइट से, ऑथेंटिक साइट से, कुछ भी उठा के मत लिखना, ठीक है। तो ऑथेंटिक साइट से हम उस क्या कहते हैं जो भी टॉपिक होगा उसका हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। इतना हम आप लोग भी कर सकते हैं। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, एंड जैसे ही पेपर होगा हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पेपर कैसे गए, क्योंकि हमें बहुत खुशी होगी। जितना आपको नहीं खुशी होगी उतना मुझे खुशी होगी कि आप लोग के पेपर अच्छे गए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। बाय बाय।